देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जिले के विभिन्न प्रखंडों में पंचायतों में भी विशेष रूप से कार्यक्रम हुए और तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर रामगढ़वा प्रखंड अंतर्गत पखनहिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी धीरज गुप्ता ने भी अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। मुखिया प्रत्याशी धीरज गुप्ता ने अपने करीबियों और समर्थकों सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बच्चों के साथ अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए श्री गुप्ता ने पंचायत सहित पूरे जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहता हूं। अनिश कुमार, L24 न्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। आपका भी धन्यवाद। हमारे सामने अभी धीरज गुप्ता जो पखनहिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं, आइए आज स्वतंत्रता दिवस पर उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, आज स्वतंत्रता दिवस है, आप अपने पंचायतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने पंचायत वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ और ढेर सारी बधाइयाँ हैं उनको। इस राष्ट्रीय पर्व को हम आज खुशी से मना रहे हैं। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, आपका चुनावी मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे तो पहले मुद्दा मेरा बहुत सारा है, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है समाज सेवा। ऐसे हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव से लेकर पूरे पंचायत में एक सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी। उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। हर वार्ड में नाले की कमी है, जिसकी वजह से हर वार्ड में जल जमाव है, उसको मैं मुख्य रूप से प्राथमिकता दूंगा। मौके पर उपस्थित बच्चों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं रामगढ़वा प्रखंड के जिला परिषद प्रत्याशी अश्वनी झा ने भी अपने आवास पर कुछ ग्रामीणों के साथ झंडोत्तोलन किया। साथ में जैतापुर पंचायत के युवाओं में भी झंडोत्तोलन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। L24 न्यूज रामगढ़वा, अनिश उपाध्याय की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आपका नाम क्या है? आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं?